तो सबसे पहले गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने सारे यूजर्स को ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला इशू देखने को मिला है, क्योंकि जो थीम वाली एप्लीकेशन है वो हार्मफुल है उनके डिवाइस के लिए। कमेंट करके दोस्तों जल्दी से बताइए। और आज की वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, कुछ अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों सिर्फ एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को आपके थीम स्टोर पर एक रिस्क हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। यानी दोस्तों जब हम लोग प्ले स्टोर को ओपन कर रहे थे और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जब हम लोग प्ले प्रोडक्ट जाने के बाद जब स्कैन करते थे गाइज, तो हमें यहाँ पे एक वार्निंग देखने को मिलता था कि हमारे फोन में एक हार्मफुल एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल है। और दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है UI की थीम एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं जो थीम एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पे हमें गूगल प्ले प्रोडक्ट की तरफ से वार्निंग देखने को मिल रहा है कि ये एप्लीकेशन जो है उसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर रहा है, तो ये एप्लीकेशन हमारे डिवाइस के लिए हार्मफुल है, इसे डिसेबल कर दो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को, थीम वाले एप्लीकेशन को डिसेबल करने के बाद आप में से बहुत से लोग इसे एनेबल नहीं कर पा रहे थे, तो इसे कैसे एनेबल करना, उसे कैसे फिक्स करना दोस्तों, उसको भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया। आप लोग मेरी वो वीडियो को चेकआउट करके जान सकते हैं कैसे आप थीम एप्लीकेशन किस एरर को फिक्स कर सकते हैं। पर गाइज यहाँ पर हमें ऑफिशियल एक अपडेट देखने को मिल गया है। तो देख सकते हैं गाइज आपको ये वाली एप्लीकेशन देखने को मिल जाए, थीम एप्लीकेशन जो है उसका वर्जन है 2.1.0.3 ग्लोबल। ये दोस्तों एपीके है हमारा ऑफिशियल ग्लोबल लॉन्ग के लिए, ग्लोबल यूजर्स के लिए। तो देख सकते हैं इसमें जो फिक्स देखने को मिला, जो प्ले स्टोर हार्मफुल एप्लीकेशन डिटेक्शन जो देखने को मिला दोस्तों, उसे यहाँ फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बग फिक्सेस यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सिंपली गाइस आप लोगों को इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और अगर इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको ऐप इन्फो में जाकर दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ये एप्लीकेशन जो वर्जन देखने को मिलता है 2.1.0.3 ग्लोबल देखने को मिल जाता है। और हम लोग इस एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमें इंटरफेस यहाँ देखने को मिलता है। और गाइस इस थीम वाले एप्लीकेशन में हम लोग फोन को किसी भी फोन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, किसी भी फोन को डाउनलोड करके आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके फोन यहाँ पर रिबूट नहीं होता। तो एक हिडन फीचर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं पहले आप लोग जब फोन को अप्लाई करते थे, अपने फोन को डाउनलोड करके अपने फोन में अप्लाई करते थे, तो हमारा फोन यहाँ पर रिबूट होता था। पर इस वाले थीम एप्लीकेशन में या फिर इससे पहले जो थीम एप्लीकेशन का अपडेट मिला था दोस्तों, उसमें हम लोगों को अपने फोन को रिबूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।